नमस्कार, स्वाद कनिवाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन सेवई, वो भी चाइनीज तरीके से। इसको बनाने के लिए जो जो सामान हम ले रहे हैं आपको दिखा देते हैं। एक बड़े साइज का गाजर ले लिए हैं जिसको पतले लंबे स्लाइस में काट लिए हैं। एक शिमला मिर्च है, इसको भी पतले लंबे में, सारे चीज़ों को हम पतले जूलियंस में हम काट लिए हैं, प्याज को, पत्ता गोभी को, शिमला मिर्च और गाजर। और उसी शेप में हम 8-10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च, इसको भी पतले लंबे स्लाइस में ही काट लिए हैं। और एक पैकेट हम ये सेवई ले लिए हैं। ये सूजी का सेवई होता है, इसलिए ये चाउमीन से हेल्दी होता है। इसको नमकीन सेवई हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज ट्विस्ट के साथ। अब गैस जला के हम पानी को रख दिए उबलने के लिए। ये सेवई हमारा जो है ये रोस्टेड है। अगर आपका सेवई रोस्टेड नहीं है तो आप 1 टीस्पून तेल डाल करके इसको हल्का सा गोल्डन होने तक भून लीजिए, तब उसको बॉईल कीजिए। हमारा चूंकि रोस्टेड है तो हम पानी चढ़ा दिए। जब हमारा पानी उबलने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके और ये सेवई को हम उबलने रख देंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इसी के साथ हम ये सेवई को भी ऐड कर देंगे। इसको एक दो बार हम हिला देंगे और इसको उबलने देंगे। जब ये उबल जाएगा तो गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम में कर देंगे और इसको हम पकने देंगे। ये देखिए हमारे सेवई में उबाल आ गया है। अब इसको फ्लेम को हम एकदम लो टू मीडियम कर देंगे ताकि ये सेवई अच्छे से पक जाए। आइए देख लेते हैं सेवई हमारा पक गया कि नहीं। एक सेवई को हम उठा करके ऐसे तोड़ के देखेंगे। ये लगभग 80-90% तक कुक हो गया, बस इसी इतने ही इसको हमको पकाना है। ये थोड़ी देर अभी पड़ा रहेगा तो और ये पक जाएगा। अब इसको एक छन्नी में हम छान लेते हैं। ये देखिए इसको हम छन्नी में छान लिए हैं। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, ये ठंडा भी हो जाएगा। देख लीजिए आप इसमें कितना हीट है। इसी से जो 20% तक बचा हुआ है वो भी वो कुक हो जाएगा। अब इधर हम उसी कढ़ाई को ले लिए हैं, फिर से हम गैस जला लिए और उसी पैन को रख लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब तेल। ये सेवई चूंकि सूजी का होता है इसलिए ये आपस में चिपकेगा नहीं। उबालने के बाद इसमें तेल उल डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बहुत कम तेल में सेवई बनकर के बिल्कुल तैयार हो जाएगा और एकदम चाउमीन का टेस्ट आएगा। इसलिए नुकसान भी कम करेगा और जल्दी से फटाफट चाइनीज का टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं सबसे पहले लहसुन। किसी भी चाइनीज फूड में लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ ये 2 मिर्च प्लेट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। हल्का सा गोल्डन होने देंगे। ये हल्का गोल्डन हो गया लहसुन, हम सबसे पहले डाल देते हैं गाजर और पत्ता गोभी। और ये सारी चीज़ों को हम एकदम हाई फ्लेम में ही, जैसे चाइनीज बनाते हैं आप एकदम हाई फ्लेम में, उसी तरह इसको भी हम हाई फ्लेम में ही करेंगे ताकि सब्जी में पानी न छोड़े। ये बच्चों के डिमांड पे रेसिपी हम बना रहे हैं। एक दिन बच्चों का डिमांड था कि आप चाउमीन बना के खिलाइए, लेकिन मेरे पास चाउमीन नहीं थी, सेवई थी, तो हम बोले इन लोगों को इस ट्विस्ट के साथ बना करके देखते हैं, देखते कैसा लगता है। इसी के साथ अब हम शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे। बस हमें इतना भर पकाना है कि सब्जी में क्रंच भी बना रहे और पक भी जाए थोड़ा। अब इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम पहले
सेवई में भी डाले हैं, इसलिए उस हिसाब से डालेंगे। सब्जी हमारा कुछ हो गया है हल्का सा, इसी समय में हम सेवई को ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिला लेते हैं। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें कुछ सॉस ऐड कर देते हैं। एक टीस्पून के बराबर हम इसमें विनेगर व्हाइट वाला ऐड कर देंगे। और एक टीस्पून के करीब सोया सॉस। अगर आपको पसंद हो तो इसमें आप शेजवान चटनी या शेजवान मसाला भी डाल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। फिर से हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा केचप डाल दे रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं मन हो तो मत डालिए, लेकिन बच्चों को ये केचप बहुत पसंद है इसलिए हम डाल दे रहे हैं। आपको मेरी अगर सेवई वाली रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हमारा ये बन करके नमकीन सेवई चाइनीज़ ट्विस्ट के साथ तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करके आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए हमारा नमकीन सेवई चाइनीज़ टेस्ट के साथ बन करके तैयार है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी पसंद आएगा। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।